बस 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 यही यही रुक बस। मीका तुम यहाँ क्यों उतर रही? तुम्हें घर के सामने छोड़ रहा हूँ। क्योंकि मिहिर मैंने घर पे किसी को बताया नहीं है ना कि हम उस लॉयर से मिलने के लिए गए थे। मैंने अक्का का संगीत भी मिस कर दिया। मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है और अब जब मैं घर जाऊंगी ना सब लोग मुझे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं और इस वक्त मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि हम कहाँ थे, क्यों थे, किस लिए। दिस इज नॉट द राइट टाइम। लेकिन मीका तुम सबको बता दो हमने कुछ गलत नहीं किया है। आई नो मिहिर लेकिन घर का माहौल भी तो देखो। घर पे शादी की तैयारियां चल रही हैं। अभी कुछ ही घंटों में अक्का और जीजू की शादी है। यू डोंट वरी मैं सही टाइम आने पे सबको सच बता दूंगी। ओके ओके ठीक। तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अच्छा सुनो अरे हाँ मिहिर शादी के बाद अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक हो ना तो तुम लंच के लिए हॉल पे आ जाना। ऑलराइट मुझे बहुत चिंता हो रही है मीका की। मीका कहाँ चली गई? रोमी तुझे बता के गई तेरी कोई बात हुई उससे? हाँ भाई मेरी बात हुई थी पर अच्छे से बात हो नहीं पाई। वो हॉल में बहुत शोर था तो सुनाई नहीं दे रहा था पर वो बहुत घबराई हुई थी। टेंशन हो रही। रोमी यार तू हद करता है। अगर वो टेंशन में लग रही थी और तुझे आवाज नहीं आ रही थी तो हमें बता देता ना। अब उसका नंबर भी नहीं लग रहा है। पता नहीं कैसी होगी वो। अजीब बात भी है तो तेरी बीवी कहाँ है तुझे पता नहीं? कुछ हो गया तो उसी। एक काम कर अभिषेक के पास चलते हैं कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी हमें लगता है। कहाँ थी तुम यार? कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं? तुम्हारा फोन नहीं मिला। तुम कहाँ थी? I'm really sorry. ऐसा क्या हो गया था मीका? तुमने हम लोग को इन्फॉर्म भी नहीं किया। पता है कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। I'm so sorry अका। वो दरअसल मेरा फोन टूट गया था तो मैं किसी को कॉल ही नहीं कर पाई। I'm so sorry मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। मीका एक्चुअली हुआ। अरे इतनी लेट? ये यही है। इनके सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये अननेसेसरी ही बात को कहीं और ही ले जाएंगी। वो मेरी फ्रेंड जो न्यूयॉर्क जा रही थी ना उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी एयरपोर्ट पे तो जब तक फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया मैं उसके साथ ही थी। आई एम रियली सॉरी मैं बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं कर पाई। चलो एटलीस्ट मीका सही सलामत है। अब इशिता 1:30 बज गया और 4 बजे का मुहूर्त है। आई थिंक हम सबको सोना चाहिए। चलो हाँ चले चलो सो जाओ। कोई बात नहीं। क्या करूं मैं? मुझे रोमी को तो सच पता नहीं होगा। रोमी सुनो मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तुम इस वक्त इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? जी बाबा मुझे वो फूल डेकोरेशन वाले हैं ना उनसे मिलना है। इससे पहले वो सो जाए इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। क्या ना कल ऐसा ना हो जाए एक तरफ शादी चल रही है और एक तरफ ये सब काम जम चल रहा हूँ। इसलिए मैं सोचा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है तो अच्छे से पूरा करूँ। तुम्हें तो पता ही है यहाँ तो सबको लगता है कि मैं समय में कोई काम पूरा करता ही नहीं। अब वैसे भी तुम कितनी थकी हुई लग रही हो। प्लीज तुम जाओ सो जाओ। ठीक है मैं जल्दी जाता हूँ। जल्दी आता हूँ। आई ओके? अब अका वो बात यह है मैं देखने आई थी कि तुम लोग सोए हो कि नहीं। करेक्ट है ये कोई बातें करने का टाइम है? ईशो कल तुम्हारी वेडिंग है कन्ना। इप्पो तुंग अम्मा मेरे बड़े बड़े बच्चे आप मुझे डांट रही हो। इप्पो तुंग जाओ सोने को जाओ मैं आज के तुम्हें दे जाओ जाओ। अम्मा गुड नाइट। पीका अभी सो जाओ कन्ना। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट पेरी अम्मा। सो जाना छोड़ने के लिए आऊं? नहीं नहीं आप जाइए। गुड नाइट।